लोगों से नजर मिलाने के लिए जो बंगाल के बारे में चिंतित है। मैंने 1952 में भारत के संविधान के तहत आज ही के दिन 1952 में पहली बार लोकसभा का सेशन हुआ था। उस संविधान की रक्षा करने के लिए हर कदम उठाना हर व्यक्ति का दायित्व है, खास तौर से उनका जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। राज्य की मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों संवैधानिक पद पर हैं, संविधान ने उनकी मर्यादा निश्चित की हुई है। मुख्यमंत्री की मर्यादा है कि वो संविधान को अपहोल्ड करें, संविधान के अनुसार काम करें, संविधान के दायरे में काम करें, और राज्यपाल का दायित्व है वो संविधान को प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, डिफेंड करें, और अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की ड्यूटी है संविधान के अंतर्गत जनता की सेवा करें। मुझे बड़ा झटका लगा, बड़ी परेशानी हुई जब राज्य के मुख्यमंत्री ने मुझे पत्र लिखकर संविधान को नजरअंदाज करते हुए एक प्रशासनिक आदेश को ढाल बनाया कि राज्यपाल इस विकट परिस्थिति में भी दौरा नहीं कर सकता। राज्यपाल को अपनी मुट्ठी में करना, संविधान का अनादर करना, एक प्रशासनिक आदेश को संविधान के ऊपर मानना, यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है। मैं इसको संविधान के अंतर्गत स्वीकार नहीं कर सकता। 3 मई से राज्य के मुख्यमंत्री को पूर्ण अधिकार रहा है। 5 मई को उन्होंने शपथ ली है। 10 दिन तक इंतजार करने के बाद जब पूरे प्रांत से, देश और विदेश से मेरे पास समाचार आए, लोगों ने मेरे सामने प्रश्न खड़े किए, मुझे कटघरे में रखा कि महामहिम राज्यपाल ऐसी विकट परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं। 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी का चुनाव हुआ था, हिंसा सिर्फ पश्चिम बंगाल में क्यों है? और जगह सत्ता कंटिन्यू हुई है, पावर का ट्रांसफर हुआ है, वहां ऐसा क्यों नहीं होता है? प्रजातांत्रिक मूल्यों को पर क्यों कुठाराघात किया जा रहा है? मैंने सरकारी तंत्र को आगाह किया, उनसे जानकारी मांगी, मुझे जानकारी के रूप में कुछ नहीं मिला। तब मैंने निर्णय किया कि राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मैं हर संभव वो कदम उठाऊंगा जिससे जनता में कुछ मलम लगे, उनका हौसला रहे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में अपने विवेक के अनुसार, अपने मन के अनुसार